भैया भैया भैया, आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन की मीटिंग बीसीसीआई के बीच और आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजेस के बीच जितनी इंटरेस्टिंग होने की आशंका थी, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और कहीं ज्यादा डिबेटेबल ये मीटिंग चल रही है। ऐसी अपडेट निकल करके आई है, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी अभी इस मीटिंग का डिनर ब्रेक खत्म हुआ है, लेकिन डिनर ब्रेक के दौरान बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट निकल करके आई है। तो हमने कहा कि जब वादा किया है सारी अपडेट फटाफट से देने का और का डिटेल में विश्लेषण करने का, तो देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप भी जाग रहे हो और मैं भी जाग रहा हूं। तो देखो, मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की इस मीटिंग में बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह पहुंचे, वहां पर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल थे और उसके बाद धीरे धीरे सारे ओनर्स भी पहुंचने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आया और प्लॉट में ट्विस्ट उस समय आया जब आईपीएल 2024 के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर शाहरुख खान खुद उस मीटिंग में पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट शाहरुख खान आईपीएल की इन सारी मीटिंग से और ऐसी चीजों से काफी ज्यादा हमें दूर दिखाई दिए हैं पिछले कई सालों से। मेनली इस काम को कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर हैंडल करते थे, लेकिन शाहरुख खान जब खुद पहुंचे तो यह मामला साफ हो गया। द थिंग्स आर गेटिंग सीरियस एंड द थिंग्स माइट गेट हीटेड। और अमूमन देखा गया है कि जूही चावला या फिर उनके हस्बैंड जय मेहता और वेंकी मैसूर, ये दो तीन लोग ही साथ में जाया करते थे और शाहरुख खान अपनी टीम के एक ब्रांड एंबेसडर की तरह खिलाड़ियों का मोराल बढ़ाने के लिए और उसको एंटरटेनमेंट फैक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। और काफी अरसा हो गया है वो हमें ऑक्शन टेबल पर भी नहीं दिखाई दिए हैं, बट जब वो इस मीटिंग में पहुंचे तब पता चल गया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आईपीएल जब नया नया शुरू होगा, आप में से उस समय बहुत लोग बहुत छोटे रहे होंगे, तब उस वक्त ललित मोदी जो आईपीएल के चेयरमैन थे, जिनका ये पूरा ब्रेन चाइल्ड था, उनको इस तरीके की मीटिंग वो अक्सर रखते थे और सारे ओनर्स भी वहां पर जाते थे। धीरे धीरे टीमें भी मैच्योर होने लगी, लीग भी मैच्योर होने लगी और सबने अपना अपना स्टाइल पकड़ लिया कि किसकी ओनरशिप में क्या काम है क्या नहीं। लेकिन अब लंच ब्रेक के टाइम पे, डिनर ब्रेक के टाइम पे जो अपडेट निकल करके आई है वो ये है, स्पोर्ट्स तक और क्रिक बस दोनों ने इसको रिपोर्ट किया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर शाहरुख खान और पंजाब किंग्स के को ओनर नेस वाडिया, यानी कि दोनों हैंडसम ओनर के बीच बहुत ही तगड़ी डिबेट हुई है खिलाड़ियों के रिटेंशन को लेकर के। बहुत सारी आईपीएल फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो मेगा ऑक्शन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, वो इस मीटिंग के लिए आई हैं कि भाई 3 साल हो गए हैं, खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, हमें भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। लेकिन मेगा ऑक्शन के पक्ष में बहुत ही कम फ्रेंचाइजी हैं और जो उसके पक्ष में है उसका आइडिया आप खुद ही लगा सकते हो। पंजाब किंग्स चाहता है कि ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन ना मिले, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी रिलीज हो और मेगा ऑक्शन के तर्ज पर ऑक्शन पूल में आए। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और कई फ्रेंचाइजीज ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी रिटेन करने की उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए और कई फ्रेंचाइजीज ने तो आगे बढ़कर इस बारे में भी बात कर दी है कि भाई आप इसको मिनी ऑक्शन ही रहने दो, जिसको जिसे रिटेन करना है करने दो, जिसको जिसे रिलीज करना है करने दो। तो बहुत ही गहमा गहमी उस बात पर हो गई और क्योंकि शाहरुख खान और कोलकाता नाइट राइडर्स और जितने भी केकेआर के फैंस हैं सब यही चाहेंगे कि जो मजबूत टीम है, जो अच्छा इंडियन कोर है वो इंटैक्ट रहे, हम क्यों बिला वजह अपने खिलाड़ियों को छोड़ दें। वहीं पंजाब किंग्स जो कि आईपीएल की सबसे कॉम्पिटेंट टीम है, ऑक्शन टेबल पे दे ऑलवेज परफॉर्म रियली रियली पुअर, खिलाड़ियों को ओवर पे करना, अनसन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लेना, ना कोई कॉम्बिनेशन है, ना कोई कप्तान है, ना कुछ विजन है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रिलीज हो। सो यू कैन सेंस कि कितनी गहमा गहमी इसके पीछे होने वाली है। और उसके साथ साथ ये भी न्यूज निकल करके आई है कि ये मीटिंग बहुत लंबी चलने वाली है, मतलब हो सकता है रात में 1:30-2 बजे के आसपास की मीटिंग खत्म हो। और ये मीटिंग जब खत्म होगी उसके बाद जब हम सुबह उठेंगे तो देखेंगे क्या मामला हुआ, क्या नियम निकल करके आए, फिर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा पाएंगे। लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऑक्शन का पूरा पूरा अपग्रेड यहाँ पर हो जाए। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेगा ऑक्शन तो होकर के रहेगा, मेगा ऑक्शन को आप नहीं रोक पाओगे। कितने ज़्यादा रिटेंशन आपको मिलते हैं, क्या अनकैप प्लेयर का क्या रूल आता है, आरटीएम कितना मिलता है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, बट थिंग्स आर गेटिंग रियली रियली हीटिंग अप। और मुंबई इंडियंस
जो ओनर्स हैं वो इस समय पेरिस ओलंपिक्स में हैं, तो वहां पेरिस से वो जुड़े हैं थ्रू वीडियो कॉलिंग। उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स हो गए, सनराइजर्स हैदराबाद हो गए, सभी फ्रेंचाइजीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। एंड द मीटिंग इज अंडर वे राइट नाउ, जिसमें मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। लेट्स सी कि इसका क्या आउटकम निकल के आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये मीटिंग होने वाली है। आई एम नॉट स्लीपिंग टू नाइट, आई नो यू आर नॉट स्लीपिंग टू नाइट। लेट्स सी कि कल का हमारे लिए दिन क्या लेकर के आता है। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।